हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट थर्ड का, जिसमें सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन को हम कैसे मेजर करते हैं, वो सब के लिए कौन कौन से मैथड होते हैं, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा इसमें इंट्रो ले लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन इज वन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया द प्री फार्मुलेशन स्टेज ऑफ फार्मुलेशन डेवलपमेंट। मतलब जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रिपरेशन करते हैं, उसमें भी किसी भी हम जैसे इमल्सन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सस्पेंशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन से पहले ज़्यादातर हम प्री फार्मुलेशन स्टडी में उसका सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन मेजर करते हैं। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से मेजरमेंट हैं जो सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को मेजर करते हैं, या कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम सरफेस या इंटरफेसियल टेंशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर मैनी मेथड फॉर मेजरिंग ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन। सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, उनमें से कौन कौन से होते हैं कुछ हम जान लेते हैं। लिखने के लिए आ जाता है दो नंबर में कि सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन को मेजर करने के लिए मेथड के नाम लिखिए। जैसे हमारा है कैपिलरी राइज मेथड। ठीक है, कैपिलरी राइज मेथड क्या करता है, हमारे सरफेस टेंशन को मेजर करता है। ठीक है, कैपिलरी राइज मेथड क्या करता है, सरफेस टेंशन को मेजर करता है। दूसरा हमारा ड्रॉप फॉर्मेशन मैथड। ड्रॉप फॉर्मेशन मैथड क्या करता है, वो भी हमारा सर्फेस टेंशन को मेजर करता है। ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, और तीसरा हमारा बबल प्रेशर मेथड। बबल प्रेशर मेथड क्या करता है हमारा, ये भी सरफेस टेंशन को मेजर करता है। तो यहां हमने जाना कि कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड और बबल प्रेशर मेथड क्या क्या करते हैं, तीनों सरफेस टेंशन को तीनों मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे और विलहेमी प्लेट मेथड। विलहेमी प्लेट मेथड क्या करता है, हमारे सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन दोनों को मेजर करता है। ठीक है, विलहेमी प्लेट मेथड क्या करता है, सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन दोनों को मेजर करता है। उसके बाद एक हमारा पांचवा लास्ट आता है, और भी होते हैं लेकिन मेन हमको यही पढ़ना है, तो उसका है डू नोवी रिंग मेथड। डू नोवी रिंग मेथड को हम रिंग डिटैचमेंट मेथड भी बोलते हैं। ये भी हमारा सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन दोनों को मेजर करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मेथड सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं, कौन कौन से मेथड इंटरफेसियल टेंशन को मेजर करते हैं, वो आप यहां पे देख सकते हैं कि तीन मेथड हमने पढ़े, कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड और बबल प्रेशर मेथड, जो हमारे सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं, और जो दो बाकी पढ़े विलहेमी प्लेट मेथड और डू नोवी रिंग मेथड, ये हमारे किसको मेजर करते हैं, इंटरफेसियल टेंशन को और सरफेस टेंशन को, दोनों को मेजर करते हैं। तो ये हमने जाना। अब यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में केवल ये दिया है कि मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन, तो यहाँ पे हमको इन सब का इंट्रोडक्शन ले लेना है। जैसे ये ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड है, उसमें सरफेस टेंशन मेजर करते हैं, तो इंट्रोडक्शन हमें ले लिया, और भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना है, प्रिंसिपल वगैरह। ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे केवल दिया गया है मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो जो कई बार एग्जाम में आ चुका है या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है कैपिलरी राइज मेथड और विलहेमी प्लेट मेथड। कैपिलरी राइज मेथड क्या होता है, विलहेमी प्लेट मेथड क्या होता है, ये हम आपको अच्छे से एकदम समझाएंगे। कैपिलरी राइज मेथड जो सरफेस टेंशन के लिए होता है, विलहेमी प्लेट हमारा सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन दोनों के लिए होता है। इन दोनों के सेपरेट वीडियो हम आपको बना के देंगे, और बाकी आप ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड, बबल प्रेशर मेथड, डू नोवी सिंथेसिस या रिंग डिटैचमेंट मेथड, ये सब बहुत कम आता है, इसको आप हमारी नोट से पढ़ सकते हैं। नोट्स कहाँ से मिलेगा, जो इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। और वीडियो के थ्रू हम आपको डिस्कस करेंगे कैपिलरी राइज मेथड और विलहेमी प्लेट मेथड, जो एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पसंद आओ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर फार्मेसी से रिलेटेड जितना भी वीडियो है, जितना भी कंटेंट है फार्मेसी में जॉब से रिलेटेड, सब आपको इस चैनल में मिलता रहेगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।